आप लोगों ने कभी ना कभी ये बात तो सुनी हुई होगी कि एक इंसान के दो चेहरे होते हैं। सर्क्यूट ऐसा ही व्यक्ति है। सर्क्यूट ऐसे नाटक करता है कि वो बेवकूफ बन रहा है, लेकिन आखिर में आगे वाले को ही बेवकूफ बनाकर निकल जाता है। मुझे ये खेल तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए खेल रहा हूँ कि तुमने कहा था कि मुझे पहले बार जीतने दोगे। सुबह सुबह अच्छा बकरा मिल गया है। ऐसे हर रोज सिक्के उछलकर पैसे कमाने वाले व्यक्ति के सामने मंद बुद्धि की तरह नाटक करता है। वो व्यक्ति उसे सच में बेवकूफ बनकर सर्क्यूट के 10 रुपए की शर्त के बदले 10,000 लगा देता है। बताओ सर्क्यूट, हेड्स या टेल्स? हाथ उठा दे, हेड्स है। और पैसे दे दे, जाना है, देरी हो रही है। सर्क्यूट की बात सुनकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है और उसे एक बार और सोचने को कहता है, लेकिन सर्क्यूट को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था और वो सच में जीता कर उस व्यक्ति से पैसे भी लेकर जाता है और जाते जाते ऐसे कहता है, मैं ऐसे ही खेल खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। इस खेल का पहला रूल है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हुए सर्क्यूट वहाँ से चला जाता है और जाते जाते रास्ते में जीते हुए 10,000 से एक गाय बेचने वाले को बेवकूफ बनाकर उससे 10,000 में गाय खरीदकर लेकर जाता है। सस्ते में मिल रही है कहकर मैंने इस गांव को खरीद लिया है, लेकिन अब मुझे दुगने पैसे कमाने होंगे। ऐसे कहते हुए काफी देर तक सोचने के बाद सर्क्यूट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है और उस बोर्ड पर ऐसा लिखता है, मेरी गाय 100 लीटर दूध देती है, जांच करके लोगे तो 1,00,000, बिना जांच करके लोगे तो 50,000। वैसे तो सर्क्यूट का बोर्ड देखकर बहुत लोग आते हैं, लेकिन सर्क्यूट गाय उसी को बेचता है जो बिना देके खरीदने को तैयार होता है। तुम तो किस्मत वाले हो दानिया, 2 दिन बाद ऐसे ही और गाया आने वाले है। ये बात अपने सारे दोस्तों को बता दो, सबका भला होना चाहिए ना। ऐसे कहते हुए सर्क्यूट बड़े आराम से धनिया को गाय बेच देता है। उन पैसों से और 2-3 गाय खरीद कर लेकर आता है और बिल्कुल उसी तरह बेचता है। जब लोगों को पता चलता है कि वो लोग बेवकूफ बन गए हैं, तब वो सारे मिलकर सर्क्यूट से लड़ने के लिए आते हैं। सर्क्यूट, धोखे बस कही के तूने कहा था कि गाय 100 लीटर दूध देती है, लेकिन ये तो साधारण गाय की तरह सिर्फ 3-4 लीटर दूध ही देती है। ऐसे सब मिलकर गुस्से में सवाल करते हुए उन्हें उनके पैसे वापस देने को कहने पर सर्क्यूट उसकी बात को एक बार ध्यान से याद करने को कहता है, मैंने कहा था कि ये गाय 100 लीटर दूध देती है, ये नहीं कहा था कि हर रोज 100 लीटर दूध देती। उनका जीवन काल खत्म होने तक 100 लीटर दूध दे ही देंगे। अब जा यहाँ से। सर्क्यूट की बात सुनने के बाद किसी के पास भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, इसलिए वो सब चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन धनिया उसे सबक सिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, इसलिए वो अपनी गाय को साइंटिस्ट के पास ले जाकर खास बनाकर घर लेकर आता है। उसके बाद उसमें हवा भरकर मोटी कर देता है। उसे सर्क्यूट के पास ले जाकर धनिया, ये तुम्हारे गाय की तरह बिल्कुल भी नहीं है, देख रहे हो ना कैसे है।
सच में हर रोज 100 लीटर दूध देती है, हर रोज। इसीलिए ऐसे ही तुम्हारे सारे पैसे दोगे तब भी नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए धनिया सर्क्यूट के दिमाग में वो बात डाल देता है। उसके बाद सर्क्यूट सच में अपने सारे पैसे देकर उस गाय को खरीद लेता है। लेकिन जब वो दूध निकालने के लिए जाता है तब उसमें से सारी हवा निकल जाती है, इसलिए इस बार सर्क्यूट धनिया के पास जाता है। ये मेरे गाय नहीं है, मैंने तुम्हें स्वस्थ मोटी गाय बेची थी, ये क्या दुबली पतली गाय पकड़ कर लेके आए हो? सर्क्यूट समझ जाता है कि हर रोज वो जो सबके साथ करता है आज उसी के साथ वैसा हो गया है। नंदीपुर नाम के गांव में गोपाला नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो उसके होशियार दिमाग और चोरी करने की आदत की वजह से पूरे गांव में मशहूर है। गोपाला जानता है कि कौन सी समय में कैसे काम करना चाहिए। क्या बात है, गांव में इतना शोर क्यों है? किस बात की तैयारी हो रही है? तुम इतने दिनों तक गांव में नहीं थे ना, शायद इसीलिए तुम्हें पता नहीं होगा। कल जन्माष्टमी है, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। राजू की बात सुनकर गोपाला चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे जन्माष्टमी किसी और तरह से मनाने के बारे में सोचना था। गोपाला पहले तो जाकर चुपके से एक व्यक्ति की गाय चुरा लेता है और उस गाय को नीला रंग लगाकर और खुद भी कृष्णा के जैसे भैंस बदलकर गांव वालों को लूटने के लिए जाता है। ओ रघु भैया, देखो तो तुम्हारे घर कौन आया है? खुद कृष्णा आए हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कृष्णा के बेस वाले हो, आओ आओ, सही वक्त पर आए हो। तुमसे अच्छी तो ये गाय लग रही है, पहले इसकी खातिरदारी करने दो। ऐसे रघु उस गाय को प्रणाम करता है और उसे अच्छा घास खिला रहा होता है। और इस बीच में गोपाला रघु के घर में चोरी करके चुपके से वापस आ जाता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आपके घर आकर खुशी हुई। ऐसे कहते हुए गोपाला एक एक करके गांव के हर घर में जाता है और कीमती सामान चुरा लेता है और गांव के आखिरी घर में चोरी करने के लिए जाता है। लेकिन उस घर का मालिक पहले से ही उदास बैठा था। उदास क्यों हो पुत्र? तुम्हारे घर खुद कृष्णा आए हैं, मायावी गांव के साथ। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? वो व्यक्ति कहता है कि किसी ने उसकी गाय चुरा ली है, इसलिए वो परेशान है। वो बात सुनने के बाद गोपाला को थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि उसी ने ही उसके गाय चुराई थी और वो गाय अब उसी व्यक्ति के सामने थी। तुम चिंता मत करो, जन्माष्टमी खत्म होते ही आपके गाय आपको वापस मिलेगी, ये इस गोपाला का वादा है। गोपाला ऐसे कहते हुए उस व्यक्ति को समझा रहा है होता है कि तभी वहाँ पर सारे गांव वाले गोपाला को ढूंढते हुए आते हैं। ये रहा वो चोर, इसी ने हमें इस नीली गाय के साथ व्यस्त रखकर हमारे घर लूटे हैं। पकड़ लो इसे और इसकी गाय को। ऐसे सब मिलकर उसे पकड़ने के लिए आता है, तभी गोपाला अपना होशियार दिमाग इस्तेमाल करता है। तुम लोग मुझे तो मार सकते हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं इस कृष्णा के बेस में हूँ। अब मारकर दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ मारकर। ऐसे कहते हुए गोपाला बड़ा होशियार बनकर वहाँ से जा रहा होता है,
तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो गोपाला और गाय का रंग धुल जाता है। पकड़ो उसे, भाग ना पाए। ऐसे कहते हुए सभी लोग मिलकर गोपाला को पकड़ लेता है और अपना सभी चोरी हुआ सामान वापस लेकर देखते हैं। उसमें मक्खन के अलावा कुछ भी नहीं था। वो देखकर हैरान होकर गांव वाले, इसमें तो सिर्फ मक्खन है, मक्खन के लिए तुमने घर का सारा सामान क्यों बिगाड़ दिया? मैं तो अपने नटखट कृष्णा की तरह ही बेस बदल कर सिर्फ मक्खन चुरा रहा था। उसकी बात सुनने के बाद सब शर्म से सर पकड़कर गोपाला से माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसी वक्त उन्हें एक और कृष्णा के भेष वाला नीली गाय के साथ नजर आ जाता है, जो गोपाल का दोस्त है और वो असली चोरी करके गोपाला के पास जा रहा होता है। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।